नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंटरक्टिव लाइव सेशन में इस इंक्लूसिव क्लासरूम के आज के सत्र में कक्षा बारहवीं के लिए अभी छात्रों का स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार के बीच हम आपके लिए लेकर आते हैं बारह बजे से साढ़े बारह बजे के बीच ये कार्यक्रम आप बाद में यूट्यूब पर देख सकते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी का जो पाठ आज आप पढ़ेंगे वो एक कविता है और कवि के कवि हैं इस कविता के लेखक हैं कुंवर नारायण इनकी दो कविताएं आज के इस सत्र में कवर की जाएंगी और ये कविताएं कौन हैं ये भी आपको बता दें कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये दो कविताएं हैं और कविताएं आप जानते हैं अभिव्यक्ति का बहुत ही खूबसूरत माध्यम है बहुत ही सुंदर माध्यम है और साहित्य की एक बहुत ही अनमोल कह सकते हैं कि विधा है और आज इस सत्र को पढ़ाने के लिए सत्र में आप सभी से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज कुमार जो कि टीजीटी हिंदी हैं जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में और आपको बता दें कि ये जो स्कूल है ये इसे चलाया जाता है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के द्वारा तो आज के सत्र में आप इस कविता के बारे में जानेंगे कविता Uh, क्या कहती है कविता के मायने क्या हैं कविता के अर्थ और संदर्भ क्या हैं सब कुछ जानेंगे और ये जो सत्र है आज का इसे आप देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर uh, uh, हमारी uh, जो है हमारे साथ जुड़ी हैं प्रेजी जो कि स्क्रीन पर हैं और आपको आज का सत्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हैं तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले सर से मैं आग्रह करूंगा कि uh, जो कवि हैं आमतौर पर हम uh, जब किसी भी रचनाकार को पढ़ते हैं चाहे कविता है गज़ल है कहानी है कोई भी विधा है साहित्य की तो उसके रचनाकार के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है हालांकि बारहवीं के छात्र हैं उन्हें ज़रूर कुंवर नारायण के बारे में जानकारी होगी लेकिन एक बार मैं सर से आग्रह करूँगा कि सर कवि के बारे में हमारे दर्शकों छात्रों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी कवि के बारे में ज़रूर बताऊंगा लेकिन कवि के द्वार पर ले जाने से पहले जी. मैं छात्रों के एक अग्रणी के रूप में आप ही को संबोधित करूंगा और आपसे बात करना चाहूंगा आपसे पूछना चाहूंगा जी कि भाषा जो हम बोलते हैं सुनते हैं इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है जी अगर आप बता पाए बिल्कुल बिल्कुल सर भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं बिल्कुल सही बात है और अब मैं छात्रों के तरफ एक प्रश्न करता हूं जिसका जवाब मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि भाषा आपने बता दी है लेकिन क्या आप समझते हैं कि कविता क्या होती है कविता क्या है इस पर भी अपने कुछ विचार आप डाल सकते हैं कविता साहित्य की एक विधा है और रचनात्मकता का एक हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही रचनात्मकता का बहुत सुंदर उदाहरण है अभिव्यक्ति व्यक्ति के लिए कम शब्दों में बहुत कुछ बहुत कहने कुछ का... देना आँ... और यूँ कह सकते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि कवि जी। तो ये उक्ति यहाँ जो है साक्षात है। होती है बिल्कुल होती है और कविता मन से आती है हृदय से आती है बनाई नहीं जाती हम बनाने का बोलते तो हैं कि कविता बनती है लेकिन उसका जन्म हमारे मन से हमारे हृदय से होता है और आज हम कुंवर नारायण जी की कविताएं दो जैसा कि आपने परिचय दिया पढ़ने जा रहे हैं कंवर नारायण जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में कुछ इनके जीवन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो उन्नीस 19 सितंबर उन्नीस को इनका जन्म हुआ और लगभग में बाईस चौबीस की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं जिसमें इनकी कविताएं हैं एक पुस्तक है इनकी चक्रव्यू एक है परिवेश इस इसके अलावा हम तुम और अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं रचनाएं हैं और आज की जो कविताएं तो दो ली गई हैं वो भी इन्हीं संग्रहों में से एक से ली गई हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा इसके अलावा आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है और आकारों के जो है आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ भी रखा लिखा जो आज शोधार्थियों के लिए साहित्य के क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका जो है अगर आप उसको गहनता से अध्ययन करेंगे तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है जी। उसका नाम आज और आज से पहले है तो ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं इसके अलावा जीवन में इन्होंने बहुत सम्मान पाया पुरस्कार पाया और उन पुरस्कारों में अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार है और कुमार आशान सम्मान इन्हें मिला है व्यास सम्मान कौर नारायण जी को मिला है इसके अलावा प्रेमचंद पुरस्कार लोहिया सम्मान कबीर पुरस्कार और अगर मैं बात करूं तो जो है हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है साहित्य के क्षेत्र में अनमोल योगदान इनका है हिंदी के में और 15 नवंबर 2017 को कुंवर नारायण जी आ, अपने शरीर को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए तो ये छोटा सा परिचय है लेकिन इनकी कृतियाँ इनके जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है वो बहुत महान है जी अब आप इजाज़त अगर मुझे दें तो मैं अपने छात्रों से इनकी पहली कविता जो है जो हमारी पुस्तक में है कविता के बहाने जी इन दिनों एक काव्य संग्रह है इनका उससे ये कविता ली गई है और दूसरी कविता जिस पे आपने बताया कि बात सीधी थी पर ये जो है कोई दूसरा नहीं इनका ये जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है इससे ली गई है तो मैं पहले एक कविता पर अगर बात करूं तो इस कविता को मैं पहले पढ़ देता हूं छात्र भी अपनी पुस्तक में इसे पढ़ेंगे और इस स्क्रीन पर भी आप इनके लिए प्ले कर रहे हैं जी। तो कविता के बहाने इसे जरा आप थोड़ा ध्यान से सुने कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर कविता कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने यहाँ कविता की शक्ति को कुंवर जी ने बताया है कविता की शक्ति पर अपना विचार रखे हैं बहुत छोटे से उदाहरण के माध्यम से कि कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने चिड़िया को उन्होंने कविता से जोड़ा है चिड़िया जितना उड़ती है उसकी एक सीमा होती है उसकी गति की सीमा होती है उसकी ऊंचाई जहाँ तक वो जाती है आकाश में उसकी सीमा होती है एक लिमिट से ज़्यादा वो नहीं जा सकती लेकिन कविता में इतनी शक्ति है कि वो चिड़िया से भी दूर ऊंचाई पर कल्पना से भी बाहर दूर तक वो जा सकती है यहाँ कवि ने कविता की संभावनाओं पर व्यक्त किए अपने विचार व्यक्त किए हैं जिस कविता के माध्यम से कि आज हम अगर ये सोचें कि कविताएं कौन पढ़ता है कौन लिखता है कविताओं का भविष्य क्या है लेकिन कविताओं का भविष्य जो सोचने वाले लोग हैं उन्हें अपने भविष्य के बारे में ही नहीं मालूम लेकिन कविताएं हमेशा जीवित रहती हैं साहित्य कभी मरता नहीं है व्यक्ति चला जाता है चिड़िया एक सजीव प्राणी है चली जाएगी इस दुनिया से एक दिन उसका एक लाइफ है लेकिन कविता की लाइफ बहुत लंबी है आज भी आप अगर पुराने समय की कविताएं साहित्य के अध्ययन करेंगे तो उनमें एक अलग ही आपको वो वातावरण दिखाई देगा वो उमंग वो खुशी दिखाई देगी दूसरे जो है पद्यांश में कवि ने बताया है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने कविता एक खिलना है फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने यहाँ कविता को उन्होंने खिलने से जो फूल खिलते हैं उनके सम्मुख रखते हुए प्रस्तुत किया है कि कविता फूलों की तरह खिलती भी है लेकिन फूल जो अपने आप में सोचते हैं कि मुझसे बड़ा खिलने वाला तो कोई है ही नहीं लेकिन कविता उससे भी ज़्यादा खिलती है बाहर भीतर इसका अर्थ यानी हर जगह पर घर के अंदर भी घर के बाहर भी मन के अंदर भी मन के बाहर भी इस घर उस घर यानी हर व्यक्ति के जीवन में हर स्थान पर कविता खिलती है कविता सुगंध देती है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने फूल एक दिन महकना बंद हो जाता है उसकी खुशबू उसकी सुगंध मर जाती है लेकिन कविता की सुगंध हमेशा रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो जाती है इसलिए फूलों से भी कविता बहुत बड़ी है इसके बाद कौन नारायण जी लिखते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बच्चे क्षण क्षण पल पल नए नए खेल इजाद कर लेते हैं नए नए खेल वो खेलते रहते हैं हम आपको केवल वही खेल चाहिए जो हम टीवी पर देखते हैं या जो परिभाषित हैं किंतु आप छोटे बच्चों को चार पांच छोटे बच्चों को बैठा दो वो अपने पास जो भी साधन है उन्हीं से ही नए नए खेल बना लेंगे बाहर भीतर यह घर वह घर हर घर में जो बच्चे हैं वो सभी अपने अपने नए खेल बना लेते हैं सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने यानी कोई नहीं जान सकता कि बच्चा इतने खेल कैसे ईजाद कर लेता है और वो बच्चा चाहे किसी भी घर का हो इस घर का उस घर का इस धर्म का उस धर्म का गरीब का अमीर का किसी का भी बच्चा हो बच्चा बच्चा होता है और वो अपने मनोरंजन के लिए नए नए खेल ईजाद कर लेता है उसी तरह कविता भी कवि भी अपनी कविता के माध्यम से अपने हृदय के नए नए विचारों को सामने रखते हुए और हर सीमा को जिस सीमा को मनुष्य ने बनाया है चाहे वो समुद्र की सीमा हो अंतरिक्ष की सीमा हो किसी भी चीज़ की सीमा हो लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती इसकी इसकी शक्ति जो है उसको तोलना समय को व्यर्थ फेंकने बराबर है क्योंकि कविता बहुत शक्तिशाली है कवि की अभिव्यक्ति सालों रहती है सदियों रहती है अगर आप बात करेंगे Uh, मैं आपसे बात करूं संस्कृत के युग की जब संस्कृत बोली जाती थी जी। uh, सदियों पूर्व की बात करें उस समय भी कविता होती थी उसके बाद संस्कृत के बाद जब अनेक भाषाएं बनी दूसरी भाषाएं बनी प्राकृत पाली अब सिंह की बात उनमें भी साहित्य रचनाएं होती थी दरबारों में कवियों का सम्मान होता था उसके बाद अगर हम बात करें आगे जो आदिकाल आदिकाल के अंदर जो है दरबारी कविताएं होती थी या रासो काव्य है वो भी एक तरह का काव्य है है ना हमारे बारहवीं के बच्चे जानते हैं कि नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय ये सब इनमें जो कवि कवि के रूप में ही इन्होंने अपनी अपने युग को अपने विचारों को प्रस्तुत किया है अपनी अपने काव्य के माध्यम से जी मतलब उस दौर के उस, उस दौर की बात उन युगों हाँ। के समय को अगर समझना है तो हमारे पास कविता कविताएं हैं तो क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य के युग को बच्चे जानते हैं कि तीन चरणों में आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा है तो हर युग की कविता का अलग टेस्ट रहा है एक समय था मध्यकाल में और खासकर काल की अगर हम बात करें जहां पर राधा कृष्ण को प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर कविताएं रची जाती थी केवल राजा को खुश करने के लिए लेकिन कविता तो वहाँ भी रची जा रही थी खुश चाहे कोई भी हो लिख तो कभी ही रहा था और बहुत सारा मौखिक साहित्य है हमारा जो स्थानीय अपने ग्रामीण क्षेत्र में लिखा जा रहा था आज भी आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आप अपने विवाह विवा के समारोह में या घर पर जो भी खुशी दुख के समारोह होते हैं गाँव में जाकर सुने जब चार महिलाएँ आठ महिलाएँ एक साथ बैठ जब उस पर्व से संबंधित या उस उत्सव से संबंधित या उस कारण से संबंधित जब गीत गाती हैं तो उन्हें शायद किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती अनेक गले जो हैं वो पूरा इतिहास जो से समय पुराने समय से जो गाए जा रहे गीत होते हैं वो सामने ला कर रख देते हैं कविता मौखिक रूप से भी हमारे सामने जीवित रहती है और लिखित रूप से भी जीवित रहती है जी। तो यहाँ कविता की शक्ति को कवि ने बताया है जी कविता के ये कविता, कविता के बहाने थी और बहुत ही सुंदर कविता जी और उसमें प्रतीक एक तरह से चिड़िया और बच्चों को बनाया चिड़िया और फूलों के ए, को बताया है कि चिड़िया की क्या शक्ति है जी, फूलों की क्या शक्ति है जी, और कविता इन शक्तियों से बाहर है जी, उसकी शक्ति को नापा नहीं जा सकता और यहाँ तो यही उदाहरण क्यों लें बच्चे स्वयं आप नई आगे जो दो, दो, दो तीन पद्यांश दिए गए हैं चौथा पद्यांश आप स्वयं बनाएं कि कविता एक जो है भाव है नदी के बहाने ये आप आप सोचें कि अगर आप क्योंकि कोर नारायण जी ने तो आपको ये दो पद्यांश दे दिए तीसरा पद्यांश वो आशा, आशा करते हैं कि आप भी बनाएं क्योंकि कविता नदी से भी बड़ी है कविता नदी से भी तेज धारा है कविता की है ना समुद्र से ही बड़ी है तो आप अपने जीवन में आने वाले दूसरे उदाहरणों से भी जीवन से जुड़े दूसरी बातों से भी कविता की शक्ति को जो, जो है तोल सकते हैं आप पाएंगे कि कविता की शक्ति वास्तव में अथाह है जी और इसका उदाहरण आपने शुरुआत में ही दिया हाँ। कि जहाँ न पहुंचे रवि जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे, वहां कवी, पहुंचे कवि।, रवि का अर्थ है सूरज सूर्य सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहाँ हमारे कवि की कल्पना पहुंच जाती है ना तो और बच्चे अगर इसको प्रस्तुत करेंगे तो प्रसंग के अंदर ये अवश्य ध्यान रखना जब कविता की सह प्रसंग व्याख्या आती है तो इसमें ये कविता कहाँ से ली गई है और किस पुस्तक से ली गई है इसका नाम क्या है इसके कवि क्या हैं और मुख्य रूप से कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या कहना चाहते, चाहते हैं ये उद्देश्य जो है अपने आ, उत्तर में जरूर लिखें जी है ना ये ये आशा की जाती है अदरवाइज कविता की सहप्रसंग प्रसंग व्याख्या करना तो वो ठीक नहीं जान पड़ता इन चीज़ों की जानकारी के बिना जी। और जीवन से उदाहरण लेते हुए उन्हें कविता की पंक्तियों से जोड़ते हुए व्याख्या के अंदर उसको लिखें बंधन में ना पढ़ें कभी भी बंधन में नहीं पड़ता आप भी व्याख्या के लिए बंधन में ना पढ़ें और भी उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को सुंदर बनाएं जी तो देवेंद्र जी आप इजाजत दें तो दूसरी कविता की ओर पढ़ें बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर ये जो है कोई दूसरा नहीं ये काव्य संग्रह है कुंवर जी का इसमें से इस कविता को लिया गया है इस कविता में भाषा के ऊपर कवि ने आ, एक तरह से बात की है कि भाषा का महत्व क्या है लोग भाषा को किस दृष्टि से देखते हैं एक बार कविता पढ़ देता हूं जी बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई यानी कभी जो है हमारी जो साधारण से साधारण बात भी होती है अगर भाषा के के महत्व को अगर आप देखें तो वो उसके आगे कई बार टेढ़ी पड़ जाती हैं उसे उसे पाने की कोशिश में उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए लेकिन इस भाषा के साथ साथ लेकिन इस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई यानी जब भाषा का उसने प्रयोग किया तो भूल गया बात और भी पेचीदा होती चली गई इसकी व्याख्या हम करेंगे आ, उससे पहले हम थोड़ा और पढ़ लें कितना सुंदर लिखा गया हाँ। है कि बात सीधी थी पर बात पेचीदा होती पेचीदा चली होती चली गई आगे देखिए भाषा की वजह से जी। सारी मुश्किलों को धैर्य से सुने बिना सारी मुश्किलों को धैर्य से सुने बिना मैं पेज को, को खोलने की बजाय उसे मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर उसे बेहतर कसता ही चला गया उसे बेहतर कसता चला गया यानी बात को समझे बिना मैं उसे और कसता चला गया क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाहवा आगे देखें आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और और वह भाषा में और वह भाषा में बेकार घूमने लगी जी हार कर मैंने उसे उसी मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया आगे देखें ऊपर से ठीक ठाक ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था ने ताकत, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पहुँचते देख कर मुझसे पूछा क्या पूछा ज़रा देखें इस इस पंक्ति में बहुत बड़ी बात पूछी है भाषा नहीं क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा यानी भाषा ही उस कवि स्वयं पर ही आक्षेप लगा रहे हैं कि मैंने एक बार भाषा को बात बहुत सीधी थी लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई टेढ़ी फंसने का मतलब जब नियमों के अंदर कोई बात आ जाती है आप हल्के में कोई बात बोल देते हैं लेकिन अगर वो भाषा के चक्कर में भाषा की दृष्टि से अगर हम उसको देखें तो वो अर्थहीन थी हमारी बात अर्थहीन थी जो शब्दों के अर्थ उसमें होने चाहिए थे वो उसमें नहीं थे यहाँ कवि ने उसे खूब तोड़ा मरोड़ा उल्टा पलटा ताकि वो कुछ उसकी समस्या को समझ सकें लेकिन उसे समझने का अवसर ही नहीं मिला कि मेरी गलती कहाँ है क्योंकि उसके चारों तरफ तमाशबीनों की टीम थी एक टोली थी जो उसे बार बार प्रोत्साहित कर रही थी कि तुम ठीक हो शाबाशी दे रही थी वाहवाही कर रही थी और वो उस नशे में मतलब एक तरह से उस उन्माद में कभी इतना पागल हो जाता है कि वो बात को समझे बिना उसको उसको सुधारे बिना उसे पेज की तरह और कसता चला जाता है और अंत में यही होता है कि उसकी चूड़ी मर जाती यानी जिस तरह हम दीवार में कोई चीज़ ढोकते हैं या पेज कसते हैं लेकिन कई बार वो फ्री हो जाता है पेज वानी उसका काम नहीं करता उसी तरह बाद में उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं मुझे जहाँ भाषा में सुधार करना चाहिए था वो तो फिर बिल्कुल ही और बेकार होती चली गई और मैं उसके मर्म को नहीं समझ सका और बिना बात में ही ज़बरदस्ती उसे श्रोताओं तक पाठकों तक उसे थोप दिया और एक कील की तरह ठोक दिया है ना उसमें कसाव भी नहीं था ताकत भी नहीं थी आखिर में भाषा नहीं परेशान होकर जो मैं सोच रहा था मैं भाषा को बना रहा हूँ लेकिन जो भाषा तो थी वो तो एक शरारती बच्चे की तरह मेरे आगे पीछे थी कि मैं कर क्या रहा हूँ और उसी ने मुझसे पूछा कि तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा कभी सहूलियत मतलब करीने अपने, से अपने बात तरीके, तरीके से, से है ना जी. ये नहीं है कि आप आंख मिस कर बोलते जाएं जी तो सर इसमें शिक्षण सामग्री भी क्योंकि हम इंक्लूसिव क्लासरूम में हाँ बात करता हूँ कर यहां मैं एक बात तो... कहना चाहूंगा कि आप जब भी भाषा के बारे में लिखें कोई भी कृति लिखें कविता लिखें सुनाएं, भाषण में बोलें कुछ भी बोलें शब्दों का चयन सही करें कि हम हमें हंसी का पात्र ना बनना पड़े और भाषा ही हमसे हमारी ये ना पूछे कि तुम्हें ये चीज़ भी नहीं आती क्या तो इसलिए हमें भाषा को बहुत सहूलियत से बरतना चाहिए कवि ने आगा किया है कवियों को और भाषा के जो जानकारों को कि हमें भाषा को अंधाधुंध केवल लोगों की वाहवाई में वाहवाई में प्रयोग करते जाने से पहले खुद सोच लेना चाहिए जी, बहुत सुंदर कविता आ, है तो सहायक शिक्षण सामग्री की अगर हम बात करें तो आ, जैसे कि मैं पेज को कसता ही चला गया है ना जी, जी, तो मैं अगर छात्रों को दिखाऊं तो ये पेज है पेज जो है वो कसता ही चला जाता है जब जा आप, आप किसी लकड़ी में या दीवार में करेंगे तो पेज कस से पेज को कसा जाता है और पेज धीरे धीरे अपनी सही जगह जानकर उसके ग्रिप अच्छे से बना लेता है जी। लेकिन जब आप पेज को कसते नहीं हैं अपनी बात जबरदस्ती मनवाते हैं तो जबरदस्ती मनवाने का मतलब आपने दीवार में कील लगाई और बिना सोचे समझे उस पर हथौड़ा लाकर ठोक दिया उस जी है ना तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ कवि ने इन नए नए बिम जो है प्रतीकों का इस्तेमाल किया है आप देखिए एक कविता में तो कवि फूलों का ए, को, को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं एक कविता के अंदर वो कील पेच और हथौड़े इन चीज़ों का भी प्रयोग कर रहे हैं यानी कविता जरूरी नहीं है कि सुंदर प्रकृति को ही ध्यान में रखकर बनाई जाए आप कविता के लिए किन्हीं भी प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि आप कविता के लिए पुराने प्रतिमानों को भूल जाएं और नए नए उदाहरण कविता चींटी पर भी लिखी जा सकती है उन्होंने कहा कविता हाथी पर भी लिखी जा सकती है है ना तो नए नए प्रतीकों को लाए यहाँ कुंवर जी जो है आधुनिक युग के नई कविता के कवि हैं और उन्होंने इसमें एक पेज का एक कील का उदाहरण देते हुए और कवि शब्दों को जो है भाषा के महत्व को दर्शाया है जी आ, अब अब हम आगे बात करें तो आ, कुछ प्रमुख शब्द हैं जी जिन पर अगर हम बात करेंगे तो शब्द संपदा हाँ शिक्षण सहायक सामग्री में तो अध्यापक अपने साथ इस इस तरह की चीज़ें ले जा सकता है या इसी तरह कविता या भाषा से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी अन्य कविता की रिकॉर्डेड या लिखित ध्वनि अपने साथ ले जा सकता है जी तो कुछ मुख्य शब्द हैं इसमें मुख्य शब्द नहीं कठिन शब्द जो आए हैं हालांकि कोई कठिन शब्द नहीं है कविता बहुत सरल है लयात्मक है बोधात्मक है और कविता में कहीं कोई क्लिष्टता नहीं है सभी जो है हमारी तद्भव प्रधान शब्द हैं कहीं पर भी तत्सम नहीं है फिर भी कुछ शब्द इस अगर आप बात करना चाहें तो हम उन शब्दों पर बात कर सकते हैं जी, कसाव जी एक शब्द है कसाव यहाँ पर पेज को कसने की बात की जा रही है कविता में लेकिन कसाव अगर आप उस उसके मायने से अगर हम आगे जाएं गहन अर्थ में जाएं तो शब्दों का कसाव है जी सर हमारे पास समय में? सिर्फ दो मिनट बचे हैं हाँ। हम अपने मुख्य शब्दों की तरफ बढ़ें और अग्रेकार्य की तरफ भी बढ़ेंगे जी जी, जी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुख्य शब्द हमारे आज के दर्शकों को बता दें हाँ तो मुख्य शब्द जो है इसमें एक तो कसाव है जी कसाव का मतलब है कि शब्द मजबूत हों आप जो भी बात करना चाहें पेचीदा यानी बहुत कठिन आप अपने रास्ते को पेचीदा बनाएँ यानी मार्ग बाधाओं से भरपूर हो बरतना का मतलब इस प्रयोग करना इस्तेमाल करना और सहूलियत शब्द है यानी अपने सहूलियत के हिसाब से ताकि वो आपके बाधा मुक्त जो चीज़ होती है वो आपके सहूलियत के अनुसार काम करती है कुछ मुहावरे भी हमने इसके अंदर लिए हैं सर हमारे है? पास समय मोहरों के लिए नहीं है हाँ। और हम कीवर्ड्स पढ़ देते हैं बच्चों जी, के लिए जी, छात्रों के लिए तो आज के जो मुख्य शब्द आज के सत्र में जो कविता आपने दोनों कविताएं पढ़ी उनमें जो तीन प्रमुख शब्द यूज किए गए थे कीवर्ड्स यूज किए गए थे उसमें आप स्क्रीन पर देख पाते हैं देख पा रहे हैं चिड़िया फूल और उड़ान तो ये तीन जो है कीवर्ड्स थे आज के और गृह कार्य की बात करते हैं गृह कार्य आप क्या दे रहे हैं सर आज के इस सत्र कार्य में हमने आपके सामने आ, कुछ प्रश्न दिए हैं आप उनके उत्तर लिख सकते हैं और इसमें इस, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, कविता के संदर्भ में बिना मुझाए महकने के माने क्या होते हैं कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या अभिप्राय है सर ने भी इसको समझाया आपको विस्तार से कवियों के लिए लेखकों के लिए और छात्रों के लिए भी ताकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें ताकि आप उपहास के पात्र न बने बिंबों और उपमानों का कविता में क्या महत्व होता है इसका उत्तर आप लिखें और संशोधित गृह कार्य यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तीन प्रश्न हैं और एक रिक्त स्थान भरने का भी प्रश्न दिया गया है और तीनों के लिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं अगर आप ये सत्र देख रहे हैं तो इसमें आप इन प्रश्नों का उत्तर देख करके प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं और इसको भेजना कैसे है किस फॉर्मेट में ये भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अपना नाम लिखिए कक्षा लिखिए और विद्यालय का नाम एवं पता लिखिए अध्यापक का नाम सत्र की दिनांक सत्र की तिथि और फोटोग्राफ अगर आप लगा सकें तो आप लगा सकते हैं इसे आप भेज सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास ट्वेल्व एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर तो उम्मीद करते हैं आज का जो सत्र था कुंवर नारायण की जो कविताएँ आपने पढ़ी आ, ये आपको समझ में आया होगा संदर्भ भी समझ में आएगा सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब अपना उत्तर लिखें तो ये ज़रूर लिखें कि, कि किस काव्य संग्रह से ली गई है और इस इस कविता को किस परिदृश्य में किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है तो उससे संदर्भ स्पष्ट हो जाता है आज के इस सत्र में शामिल होने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर आप हमारे साथ जुड़े आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं और आप दृष्टिबाधित हैं लेकिन आपने इस सत्र को और हमारे आज के बच्चों को इस सत्र के माध्यम से बहुत अच्छे से संबोधित किया साथ ही मैं धन्यवाद कहूँगा प्रेसी को जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों और बच्चों को दर्शकों को आज का सत्र समझाने का प्रयास कर रही थी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए ई विद्या और हमारे एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से आप लगातार बने रहिए शिक्षा जागरूकता और तमाम ज्ञान के कार्यक्रमों के लिए मुझे देवेंद्र त्रिपाठी को अनुमति दीजिए नमस्कार